Hello everyone, my name is Mrs. Riddhi Patel and today we will see the MSN 1 unit number 10, the endocrinal system disorder. In this session we will see the management of endocrinal disorders, that is particularly pituitary gland disorders. Okay, first disorder is acromegaly and gingivitis. So what is acromegaly? Abnormal growth in the children, okay, and gingivitis is also the abnormal growth in children. It means this disorder is particularly seen in the children only. Okay, it is excess secretion of GH in the children is usually by the anterior lobe of the pituitary gland. So so secretion thai chhe to growth hormone particularly children ni andar ane kaya lobe ma pituitary gland hai to anterior lobe. Okay, results in somatic overgrowth or gingivitis. To anali desu thai chhe तो सिक्रिशन एक्सेस सिक्रिशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मन वधारे पड़त ग्रोथ हॉर्मन सिक्रिशन ने लीधे शू जो मे तो ओवरग्रोथ जो मे. ओके, वेन हाइपर सिक्रिशन ऑफ द हॉर्मन अकर्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्केलेटल एपिफाइसिस इट अकर्स एक्रोमेगाली. ओके, हाइपर सिक्रिशन ने लीधे शू जो मे एक्रोमेगाली. जिंजाटिज इज अबनॉर्मली लार्ज ग्रोथ बिफोर द बोन ग्रोथ प्लेट हैव क्लोज. ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. द चाइल्ड इज टॉलर देन हिज और हर पीयर्स. मतलब जो एक्रोमेगाली अथवा जिंजिटा जिंजेंटिजमवाड़ू जो बेबी हे चाइल्ड हे केव हे तो एम पीयर मतलब एम क्लासमेट हे कलीग हे एना करता मोटू देखात हे. पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हेन्ड्स फीट एंड मेन्डिबल एरिया आर लार्ज. ओके, पेरिफेरल पार्ट जो बॉडी है लाइक हेन्ड है फीट है कोई भी एक साइड नो एक केव हे तो मोटा जवाब लार्ज जवासे. हेड सरकमफरेंस इज इंक्रीज. ओके, वाई हेड सरकमफरेंस इज इंक्रीज ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हॉर्मोन इन पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज वाई हेड सरकमफरेंस इज इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स आर कोर्स विथ प्रोमिनेंट जो थीक स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विथ डोर्सल काइफोसिस एंड लार्ज टंग बुशी आईब्रो. ओके, तो आनी अंदर क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन नी अंदर पर्टिक्युलरली ग्रोथ हॉर्मोन इंक्रीज थी जाए तो आनी अंदर शू जोवा मळशे तो प्रोमिनेंट जो हशे, थीक स्किन. ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू केवा हशे तो वीक और ओवर स्ट्रेचड मसल्स इन अपर थोरेसिक एरिया. ओके, एनलार्ज टंग जोवा मळशे एंड बुशी आईब्रो जोवा मळशे. मसल्स वीकनेस एंड पिगमेंटेशन ऑफ दी स्किन. हवे ओवरग्रोथ जो ओवरग्रोथ हशे बराबर तो लीधे शूँ जो मैसे तो मसल्स की अंदर वीकनेस जवासे और स्किन की अंदर पिगमेंटेशन हे. ओके, नेक्स्ट इज हेडेक एंड एक्सटर्नल ऑप्थल्मल प्लेजिया आर कॉमन. हेडेक हे के ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन है एटला माटे अने ऑप्थल्मो प्लेजिया एट्ले पेरालिसिस ऑफ आई मसल्स. ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंडक्ट द हिस्ट्री, देन वी शुड टेक द फिजिकल एक्सामिनेशन. इन पर्टिक्युलर फिजिकल एक्सामिनेशन वी हैव टू सीन अबाउट द हेड सरकमफेरेंस, देन चेस्ट सरकमफेरेंस. ओके, देन स्किन, नेक्स्ट इज एक्सरे, देन सीटी स्कैन एंड MRI एंड GH लेवल्स आर एलिवेटेड. ओके, GH हॉर्मोन्स जो हे केव हे एलिवेटेड हे. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. सो वॉट इज मैनेजमेंट? पार्शियल ऑल कम्प्लीट रिसेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एडिमा इंडिकेटेड इफ देर इज एविडेंस ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल टेन्शन. ओके, पार्शियल अथवा तो पूरेपूरू अथवा तो थोड़ू शू करवानू होय छे तो रिसेक्शन करवानू होय. क्या? तो पिट्यूटरी ग्लैंड नी अंदर रिसेक्शन करीने जोवामां आवतुं होय छे के इंट्राक्रेनियल टेन्शन बराबर, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर वधी गयुं छे के नहीं. क्या? तो ग्रोथ हॉर्मोन ऑलरेडी एटलो बधो सिक्रेट थतो होय छे एटला माटे जोवामां आवतो नॉर्मल करता वधारे होय छे एटला माटे इंट्राक्रेनियल प्रेशर वधी गयुं छे के नहीं. अने शू करवानुं होय छे? तो रिसेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एडिमा. ओके, नेक्स्ट इज कन्वेंशनल और हाई वोल्टेज रेडियोथेरापी. इज रेडियोथेरापी शेना माटे आपण? तो जे पण ईडीमां थयो छे एनું चेक કરવાનું હોય છે કે કેન્સર સેલ છે કે નોન કેન્સર સેલ છે એટલા માટે. અને જો કેન્સર સેલ હશે તો શું જોવાનું છે? તો રેડિયોથેરાપી આપવાની છે. ઇમ્પ્લાન્ટિંગ રેડિયો એક્ટિવ આઇસોટોપ્સ. ઓકે, અને સ્ટેન જેવું મૂકવાનું છે. અને ડ્રગ્સ વિચ આર યુઝ ફોર ધીસ કન્ડિશન ઇઝ બ્રોમોક્રિપ્ટિન, એડોપામાઇન ઓર લોઅરિંગ ધ GH. ઓકે, જે બ્રોમોક્રિપ્ટિન અને એડોપામાઇન છે એ શું કરે છે? તો ગ્રોથ હોર્મોનને રિડ્યુસ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ
वी विल सी अबाउट द डायबिटीज इंसिपिडस. सो वॉट इज डायबिटीज इंसिपिडस? इट इज़ अ डिजीज कॉज बाई द डेफिशियंसी ऑफ एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन विच इज सिक्रिटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो डायबिटीज इंसिपिडस ने अंदर शूँ जवाब मे तो एंटी डायोरेटिक डेफिशियंसी जवाब मे एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन्स में पर्टिक्युलरली कौन सिक्रिट करे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू नेफ्रोजेनिक डिस्टर्बंस ऑफ H2O एक्सक्रीशन इन चिल्ड्रन. ओके, नेफ्रोजेनिक डिस्टर्बंस ऑफ H2O मतलब वॉटर इम्बेलेंस जवाब मे बाड़कों अंदर. नेक्स्ट इज क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. सो फर्स्ट क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन इज पॉलीडिप्सिया. सो वॉट इज पॉलीडिप्सिया? इट इज द एक्सेसिव थर्स्ट इन चिल्ड्रन. ओके, पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट. नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया. वॉट इज पॉलीयूरिया? इंक्रीज यूरिन आउटपुट. यूरिन विथ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, जब यूरिन ने स्पेसिफिक ग्रेविटी हे के हे लो हे नॉर्मल करता लो. चिल्ड्रन में हैव फीवर डिहाइड्रेशन और वेट लॉस. ओके, शाटे फीवर आते हो डिहाइड्रेशन और वेट लॉस थे कम के एक्सेसिव थर्स्ट हो. नेक्स्ट इज हाइपर नेट्रेमिया. वॉट इज हाइपर नेट्रेमिया? हाइपर इट मीन्स इंक्रीज एंड नेट्रेमिया इट मीन्स सोडियम. तो जो सोडियम लेवल हे केव हे इंक्रीज हे केम केम के यूरिन ने स्पेसिफिक ग्रेविटी ओछी है और यूरिन आउटपुट वधारे छे एट्ला सोडियम लेवल अल्टिमेटली वधी जाए छे. लेक ऑफ अपेटाइट. हवे लेक ऑफ अपेटाइट हे एट्ले जमे नहीं लीधे शूँ जवाब मळशे तो वेट लॉस थशे. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. मेनली देर आर फोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन डायबिटीज इंसिपिडस. फर्स्ट वन इज क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस, सेकंड इज नेफ्रोजेनिक, थर्ड वन इज डिस्पोजेनिक एंड फोर्थ वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज. ओके, सो वी विल सी द फर्स्ट टाइप. ओके, क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस. सो वॉट इज क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस? इन दिस हाइपोथेलेमस विल नॉट प्रोड्यूस द ADH. वॉट इज एडिएट? एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन. तो क्रेनियल डायबिटिक इंसिपिडस ने अंदर शू हे तो जेपन हाइपोथेलेमस जो ब्रेन नो पार्ट है शू प्रोड्यूस नहीं करे तो ADH प्रोड्यूस नहीं करे. ओके, हवे जो ADH ज प्रोड्यूस नहीं करे तो ऑलरेडी एनी डेफिशियंसी थे तो एना लीधे डायबिटीज इंसिपिडस. नेक्स्ट वन इज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस. हवे नेफ्रोन, ओके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिनल. यू आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द नेफ्रॉन. वॉट आर द नेफ्रॉन्स? ओके, नेफ्रोजेनिक तो जो वर्ड है ये बतावे कि नेफ्रॉन मतलब किडनी रिलेटेड हे. तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की अंदर शूँ जवाब मे तो किडनी फेल थती होना तो ADH ने रिस्पोन्स नहीं आपती. ओके, तो एंटी डायरेटिक हॉर्मोन है एने किडनी रिस्पोन्स नहीं आप सकती. एना लीधे शूँ थे तो किडनी पर्टिक्युलर एनु वर्क है कर फेल थी जाती होना लीधे शूँ जवाब मे तो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस. ऑलरेडी आप जी गया साइन एंड सीम्टम्स की अंदर के यूरिन आउटपुट पर इंक्रीज है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिक्रीज है. यूरिन आउटपुट इंक्रीज है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के भी तो लो है बराबर. यूरिन ने तो अल्टिमेटली शूँ बतावे तो किडनी अंदर डिस्फंक्शन है. ओके, एना लीधे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जवाब मे. नेक्स्ट इज डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. तो आनी अंदर शूँ जवाब मे डिप्सोजेनिक अंदर तो आप ऑलरेडी जो गया पॉलीडिप्सिया जवाब मत हो बराबर. पर्टिक्युलरली क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन है कि जेनी अंदर थर्स्ट लगती है एक्सेसिव थर्स्ट बराबर. तो थर्स्ट हसे तो एना लीधे शू थी जैसे तो चक्कर जो देट मीन्स कन्फ्यूज विथ पार्शियल सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस. इन दिस आ कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इन पर्टिक्युलरली सीन इन प्रेग्नेंसी. ओके, इन थर्ड ट्राइमेस्टर. सो जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉमनली सीन इन द जेस्टेशनल पीरियड ऑफ मदर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. सो वॉट आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फॉर डायबिटीज इंसिपिडस? फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर मेनली टू कॉमन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन, देन इज फिजिकल एक्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेसोप्रेसिन लेवल. ओके, तो एनी अंदर बने रीतना वेसोप्रेसिन लेवल लेवानू होय छे मेनली टू टाइप्स की अंदर. एक तो ओरल सैम्पल और सैकंड है कि यूरिन सैम्पल बराबर. अने बने के हे तो इंक्रीज जोवा मळे छे. ओके, वेसोप्रेसिन लेवल ओरली पण सैम्पल लेवानू होय छे अने यूरिननु सैम्पल पण लेवानू होय छे अने बन्नेनी अंदर इंक्रीज जोवा मळतो होय छे. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूरिन ऑस्मोलरिटी. ओके, यूरिन ने शू चेक करवानू छे तो ऑस्मोलरिटी. तो
નેક્સ્ટ ઇઝ ફ્લુઇડ ડેપ્રિવેશન ટેસ્ટ. ઓકે, તો ફ્લુઇડ ડેપ્રિવેશન ટેસ્ટ શાના માટે કરવાનો હોય છે? તો અસેસ ધ એબિલિટી ઓફ કિડની ટુ કોન્સન્ટ્રેટ યુરિન અંડર એડીએચ. ઓકે, તો ફ્લુઇડ ડેપ્રિવેશન ટેસ્ટ શાના માટે મેઇનલી કરવાનો હોય છે? તો જે કિડનીની પણ જે પણ કોન્સન્ટ્રેશનને છે એની એબિલિટી કેટલી છે, કેમકે ઓલરેડી લો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે અને યુરિન આઉટપુટ વધારે છે, આઉટપુટ વધારે પડતો છે નોર્મલ કરતાં, અને સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓછી છે, એટલા માટે શું થશે, તો ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળતો હોય છે. એટલે ફ્લુઇડ ડેપ્રિવેશન ટેસ્ટ આના માટે કરવામાં આવે છે. તો કિડનીની એબિલિટી કેટલી છે, તો જે પણ કોન્સન્ટ્રેશન હોય છે યુરિનનું, બરાબર, તો એ ચેક કરવા માટે. નેક્સ્ટ છે MRI. નેક્સ્ટ ઇઝ મેડિકલ મેનેજમેન્ટ. તો ઇન મેડિકલ મેનેજમેન્ટ ફર્સ્ટ વન ઇઝ વેસોપ્રેસિન રિપ્લેસમેન્ટ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ વેસોપ્રેસિન રિપ્લેસમેન્ટ? સો ઇટ કેન યુઝ ટુ ક્રિએટ માઇલ્ડ હાઇપોવોલેમિયા વિધિન એન્કરેજ સોલ્ટ એન્ડ ઇન્જેક્શન ઓર પ્રોલેક્ટિન અપટેક ટુ ઇન્ક્રીઝ NDI. ઓકે, સો વોટ ઇઝ વેસોપ્રેસિન? તો એની અંદર શું છે, તો માઇલ્ડ હાઇપોવોલેમિયા ને ટ્રીટ કરવાનું હોય છે, અને શાનાથી, તો સોલ્ટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ડાયુરેટિક આર યુઝ બીકોઝ દે હેવ સમ એક્શન ઓફ વેસોપ્રેસિંગ. ઓકે, ડાયુરેટિક્સની થેરાપી આપવાની હોય છે. માઇલ્ડ સોલ્ટ ડિપ્લેશન એન્ડ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન ઇન્હિબિટર્સ આર ઓલ્સો યુઝ ટુ ટ્રીટ નેફ્રોજેનિક ફોર્મ ઓફ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ઓકે, શું આપવાનું છે, તો માઇલ્ડ સોલ્ટ આપવાનું છે અને પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન ઇન્હિબિટર્સ આપવાના છે. તો એના લીધે અલ્ટિમેટલી શું થશે, તો નેફ્રોજેનિક, મતલબ આપણે જે સેકન્ડ ટાઈપ જો છે નેફ્રોજેનિક ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, તો એને ટ્રીટ કરશે. ઓકે, અને સેકન્ડલી શું જોયું છે ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશનની અંદર, તો હાઇપર નેટ્રેમિયા. નેક્સ્ટ છે મેનેજ મેટાબોલિક એસિડોસિસ યુઝિંગ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ઇન IV ફ્લુઇડ્સ. ઓકે, શું આપવાનું છે, તો મેટાબોલિક એસિડોસિસ, અને સાના કઈ મેડિસિન આપવાની છે, તો સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ આપવાની છે. ઓકે, સો વી હેવ સીન મેઇનલી ટુ ડિસઓર્ડર્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ જિન્જેટિઝમ, સેકન્ડ ઇઝ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ઓકે, જિન્જેટિઝમ શું છે, તો અબનોર્મલ ગ્રોથ ઇન ચિલ્ડ્રન. હવે સાના લીધે થાય છે, એક્સેસ સિક્રેશન ઓફ ગ્રોથ હોર્મોન. ઓકે, અને સેકન્ડ છે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, તો એના લીધે જોવા મળે છે, તો ડેફિશિયન્સી ઓફ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોનના લીધે જોવા મળતો હોય છે. ઓકે, તો એની અંદર મેઇનલી ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન શું છે, તો પોલીડિપ્સિયા, પોલ્યુરિયા, યુરિન વિથ લો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, ચિલ્ડ્રન મે હેવ ફીવર, ડિહાઇડ્રેશન, વેઇટ લોસ, હાઇપરનેટ્રેમિયા ઓર લેક ઓફ એપેટાઇટ. મેઇનલી દેર આર 4 ટાઈપ્સ ઓફ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ક્રાઇનલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, સેકન્ડ ઇઝ નેફ્રોજેનિક ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, ડિસ્પોજેનિક એન્ડ જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ઓકે, સો ટુડે આઈ હેવ કમ્પ્લીટિંગ ધીસ સેશન. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. થેન્ક યુ, બાય.